दोस्तों कई बार बहुत से सेलर्स ने मुझसे पूछा है कि क्या हम अपने ऑर्डर्स को सिर्फ कॉरोगेटेड बॉक्स में ही पैक करके भेज सकते हैं या फिर अपने ऑर्डर्स को सिर्फ पॉलीबैग में ही पैक करके भेज सकते हैं, क्योंकि पास्ट में मैंने कुछ पैकेजिंग रिलेटेड वीडियोस दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ऑनलाइन सेलिंग में कैसे पैकिंग करनी होती है। तो उसमें मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स को ऐसे पैक करके दिखाया था कि पहले मैंने उसे कॉरोगेटेड बॉक्स में पैक किया और फिर उसके बाद उसके ऊपर उसे पॉलीबैग में पैक कर लिया। जैसे मैंने ये कॉरोगेटेड बॉक्स में पहले प्रोडक्ट को पैक करा और फिर उसके ऊपर से उसमें पॉलीबैग में उसे डाल दिया। तो फिर बहुत से सेलर्स ने उस पर कमेंट किया कि आपने पॉलीबैग में क्यों डाला, सिर्फ कॉरोगेटेड बॉक्स ही सफिशिएंट था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ वही कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाला हूं। जब मैंने शुरुआत की थी ऑनलाइन सेलिंग की तो मैं भी सिर्फ या तो कॉरोगेटेड बॉक्स में ही ऑर्डर्स को बेचता था या फिर सिर्फ पॉलीबैग में ही ऑर्डर्स को बेचता था। ऑब्वियसली हम एक ही प्रोडक्ट के लिए कॉरोगेटेड बॉक्स और पॉलीबैग दोनों क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो पैकिंग की कॉस्ट है पर प्रोडक्ट वो बढ़ जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं मानोगे कि शुरुआत में जब मुझे जो रिटर्न्स आते थे, अगर 10 रिटर्न आ रहे हैं तो 10 में से 8 रिटर्न ऐसे होते थे जो कि डैमेज होते थे। और वैसे मैं इधर डैमेज टर्म गलत यूज कर रहा हूं, मेरा प्रोडक्ट ही मिसिंग होता था। मतलब कुछ टाइम ऐसा होता था कि प्रोडक्ट का आधा पोर्शन ही गायब है और कुछ टाइम ऐसा होता था कि प्रोडक्ट पूरा ही पूरा मिसिंग है और कोई और प्रोडक्ट इसमें आ गया है। तो वहीं से फ्रेंड्स मैंने सीख ली थी और आपको भी वही चीज मैं बताना चाहता हूं। देखिए, ये कॉरोगेटेड बॉक्स और पॉलीबैग दोनों अपने आप में कंप्लीटली डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल है, आप इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए, कॉरोगेटेड बॉक्स का रोल है आपके प्रोडक्ट को डैमेज होने से बचाना। देखिए, अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके टूटने के चांसेस है रास्ते में शिपिंग के दौरान, तो अगर आप कॉरोगेटेड बॉक्स उसके ऊपर लगा देते हो और उससे अच्छा है पहले आप बबल रैप लगाइए फिर उसे कॉरोगेटेड बॉक्स में डालिए। आपने देखा ही होगा पिकअप बॉयज के पास तो इतने सारे ऑर्डर्स का लोड होता है तो वो हर एक ऑर्डर को तो केयरफुली हैंडल नहीं करते, तो ऐसे ही पटक देते हैं। तो उस केस में हमारी पैकिंग कैसे हो रखी है, वही बेसिकली हमारी ऑर्डर की सिक्योरिटी को बढ़ाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो कॉरोगेटेड बॉक्स है आपके प्रोडक्ट को डैमेज होने से बचा लेता है। आपका जो प्रोडक्ट है वो रस्ते में डैमेज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे अगर आप पहले अपने प्रोडक्ट को बबल रैप से पैक करोगे फिर उसके बाद उसके ऊपर कॉरोगेटेड बॉक्स लगा दोगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इसकी, अब बहुत से सेलर्स बोलेंगे कि तो इसकी क्या जरूरत है। देखिए, ये आपके प्रोडक्ट की सिक्योरिटी को बढ़ाता है। अगर पॉलीबैग लगा हुआ है तो इसका मतलब कोई भी पर्सन इसे आसानी से नहीं खोल सकता। जो कस्टमर है वो उसे टियर करेगा तभी इसे खोलेगा। अगर देखिए, मैं आपको बताता हूं होता क्या था मेरे साथ। जैसे मैंने ये प्रोडक्ट को पैक कर रखा है, अब मैं इधर सीजर लेता हूं, अब देखिए कोई इजीली इसे टियर कर सकता है, इसे कोई इजीली टियर कर सक इसे टियर किया, प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट निकालने के बाद कुछ भी डाला या फिर उस प्रोडक्ट में से आधा बचा हुआ पोर्शन डाला और इसको पैक कर दिया। और सीरियसली आप पता भी नहीं कर सकते कि किसी ने आपके पैकेट को खोला भी है या नहीं खोला। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ये पॉलीबैग लगा देते हो तो इस पॉलीबैग को आप बेसिकली ऐसे कट नहीं कर सकते, या फिर कट कर दोगे तो दोबारा से ज्वाइन नहीं कर सकते, फिर आपको टेप से ही स्टिक करना पड़ेगा। अब इसलिए पॉलीबैग क्या इजिली कोई खोलता नहीं है और पॉलीबैग में आपका प्रोडक्ट गायब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और मैंने भी जब अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉरोगेटेड बॉक्स और पॉलीबैग लगाना शुरू कर दिया तो जो मैं आपको पहले बता रहा था 10 में से 8 प्रोडक्ट मिसिंग निकलते थे या फिर आधा प्रोडक्ट मिसिंग होता था या पूरा प्रोडक्ट मिसिंग होता था, अब वो 10 में से एक या दो होते हैं केसेस। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा कम हो गया है ऐसे केसेस। तो बेसिकली मैंने जब अपनी पैकेजिंग मटेरियल को इंप्रूव किया या फिर मैं कहूँ डबल पैकेजिंग मटेरियल लगाया तो उससे ऐसा हुआ। अब ऑब्वियसली उससे कॉस्टिंग बढ़ी, लेकिन फ्रेंड्स वो मैं कॉस्ट अपनी प्रोडक्ट की प्राइस में बढ़ाकर कस्टमर से चार्ज कर ले रहा हूं। तो 5-10 रुपए अगर आप बढ़ाकर आपके प्रोडक्ट की सिक्योरिटी बढ़ रही है तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बेसिकली सजेस्ट करना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू कि पैकेजिंग मटेरियल में आपको कभी भी कंजूसी नहीं करनी है। आप एक बार को पॉलीबैग सिर्फ यूज तो भी कर सकते हो, अगर जैसे आप अपैरल्स में डील करते हो, टी शर्ट बेचते हो तो टी शर्ट आप डायरेक्ट पॉलीबैग में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कॉरोगेटेड बॉक्स की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो रास्ते में कोई डैमेज नहीं होगी, मतलब टूटेगी नहीं। लेकिन अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो टूट सकता है तो उसे कॉरोगेटेड बॉक्स में तो रखिए ही रखिए, लेकिन उसके ऊपर पॉलीबैग भी चढ़ा। मतलब पॉलीबैग तो मैं आपको कहूंगा आपको 100 में से 100 ऑर्डर्स पर चढ़ानी है। अगर आपको 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो 100 में से 100 ऑर्डर्स पे आपको पॉलीबैग तो चढ़ानी है, जिससे आपकी प्रोडक्ट की सिक्योरिटी बनी रहे। और पॉलीबैग से मेरा मतलब अमेज़न में तो अभी भी पॉलीबैग यूज हो रहे हैं और आने वाले टाइम में पेपर बैग यूज होंगे फ्लिपकार्ट में, तो फ्लिपकार्ट के पेपर बैग आप चढ़ा सकते हैं, वो भी बेसिकली आपकी सिक्योरिटी को बढ़ाएगा आपके पैकेट की। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि पॉलीबैग तो आपको अपने हर ऑर्डर पर चढ़ाना है, इस बात को आपको याद रखना है ताकि आपके प्रोडक्ट की सिक्योरिटी मेंटेन रहे।